जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Realme 12 Plus 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये Realme का 12 सीरीज का न्यू स्मार्टफोन होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन भी Realme 12 सीरीज जैसा ही स्मार्टफोन होने वाला है। पीछे की तरफ यहाँ पर राउंड शेप में यहाँ पर कैमरा डिजाइन देखने को मिलने वाला है और आगे की तरफ सिंगल पंच होल स्मार्टफोन होने वाला है और यहाँ पर भी ग्लास बैक का यूज किया जाएगा। ये स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया होने वाला दिखने में और यहाँ पर Realme 12 सीरीज जैसी थी वैसा ही कोई स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पर भी 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR 10 प्लस 10 बिट और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी होने वाला है और यहाँ पर डिस्प्ले में ब्राइटनेस लेवल भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है। यहाँ पर डिस्प्ले में कोई शिकायत नहीं होने वाली, डिस्प्ले बहुत ही कमाल की देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। ये स्मार्टफोन में मीडियाटेक डायमंडसिटी का 7050 का चिपसेट होने वाला है, जो बहुत ही बढ़िया चिपसेट है और स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर 5 चिपसेट देखने को मिलने वाला है और गेमिंग भी बहुत ही बढ़िया होने वाली है स्मार्टफोन में। यहाँ पर डे टू डे लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली और गेमिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यह स्मार्टफोन का जो GPU होने वाला है बहुत ही कमाल का होने वाला है, इसलिए स्मार्टफोन की जो प्रोसेसर है बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलना नहीं है। और उसी के साथ ही यहाँ पर कैमरा भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है। यहाँ पर 15 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा का सेटअप होने वाला है, जिसमें यहाँ पर OIS का भी सेंसर का यूज किया जाएगा और यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर होने वाला है। और बात करें स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे की, यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है, जो आगे की तरफ सिंगल पंच होल में होने वाला है। यहाँ पर कैमरा बहुत ही बढ़िया देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार हमें कैमरे में OIS भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर कैमरे में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कैमरा बहुत ही बढ़िया देखने को मिल सकता है इस स्मार्टफोन में। और ये स्मार्टफोन को यूज करने के लिए बड़ी सी बैटरी तो चाहिए, यहाँ पर भी 5000 mAh की बैटरी होने वाली है और उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर 67W के चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर चार्जिंग बढ़िया देखने को मिलती है और बैटरी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। यहाँ पर बैटरी की डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बैटरी बहुत ही कमाल की देखने को मिल सकती है स्मार्टफोन में। तो अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्राइस की और लॉन्च डेट के बारे में। ये स्मार्टफोन के प्राइस 16000 से 17000 के बीच में इंडिया में देखने को मिल सकती है। और बात करें स्मार्टफोन के लॉन्च डेट की, तो ये स्मार्टफोन 6 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो आपको क्या लगता है स्मार्टफोन के प्राइस क्या होने वाली है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक ऑलवेज की स्माइल।